मॉर्निंग और आज दिन है थर्सडे। मेरे चैनल का नाम है मस्त फैमिली ब्लॉग। यहाँ पर बुआ जी आए हैं पापा जी को राखी बांधने के लिए और उसके बाद फिर पापा जी जाएंगे मम्मी को लेकर उनके घर राखी बंधवाने के लिए। मम्मी भी हर साल ही जाती हैं राखी बांधने के लिए और सुबह में वो निकल जाएंगे, उसके बाद फिर हमें भी जाना है। मम्मी पापा जी तो चले गए, बुआ जी को अभी इन सब को भी राखी बांधनी है। अब मेरे देवर हैं जो सबसे छोटे वाले, वो भी सुबह ही आए थे, बुआ जी उनको राखी बांध रही हैं। और ये भी दिल्ली में ही जॉब करते हैं, ये सुबह आए थे, इन्हें बुखार हो रहा है और फिर इनको इसके बाद डॉक्टर के यहाँ पर जाना है। तबीयत इनकी ख़राब हो रही है इसलिए डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाएंगे। और बच्चे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। और ये किट्टू है मेरे जेठ की लड़की, ये अक्की को राखी बांध रही है। और ये लक्की है किट्टू का भाई, अब ये उसके भी राखी बांध रही है। और मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि बुआ जी अपने मायके में ही रहती हैं, यहीं पर है उनका घर। बुआ जी अपने घर चली गई थी और फिर दोबारा आई हैं इनके राखी बांधने के लिए, क्योंकि ये अभी आए हैं ड्यूटी से और अब इनको आना पड़ा दूसरी बार, क्योंकि इनके अभी राखी नहीं बंधी थी। और यहाँ पर मेरी ननद भी इनको राखी बांध रही हैं, ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है, इनकी अभी शादी नहीं हुई और ये यहीं पर हमारे साथ ही रहती हैं। बुआ जी इनसे कुछ बातें कर रही हैं। यहाँ तो सब लोगों ने राखी बांध ही ली हैं और अब मुझे जाना है अपने मायके में, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ घर जाने के लिए। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे भी हो गए हैं और अभी बस वो नहाने के लिए जा रहे हैं। बस हमारा सबका काम हो गया ख़त्म और हम घर जाने के लिए बस निकल ही रहे हैं। अक्की लेकर जा रहा है अचार, ये मेरे भैया ने यहीं पर अपने लिए डलवाया था तो इसको भी हम लेकर जा रहे हैं। बच्चे तो चले गए और मैं भी बस पानी पीने के बाद जा ही रही हूँ। हम चारों बाइक से ही जा रहे हैं और हमें रास्ते में अभी जाना है अपनी बड़ी ननद के घर, उनकी ससुराल भी रास्ते में ही पड़ती है। और ये मेरी बड़ी वाली ननद है सबसे, ये इनको राखी बांध रही हैं। इनकी दो लड़कियाँ हैं, वो भी राखी बांधेंगी अक्की को।
बच्चों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की है और इनका यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा। जिया तो बोल रही थी कि मैं यहीं पर रह जाती हूँ, फिर इसका मूड बदल गया और कहने लगी नहीं मैं तो जा रही हूँ। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे बॉल के लिए। बस अब हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए, क्योंकि अभी मुझे भी जाना है अपने मायके में अपने भैया को राखी बांधने के लिए। और वैसे ही हम बहुत लेट हो गए। बस अब हम चलने के लिए रेडी हैं। जिया बाइक को धक्का लगा रही है कि चलो, और अक्की का भी मन नहीं कर रहा जाने का, वो अभी बॉल लेकर ही बस खेलने में लगा है। रास्ते में एक छोटी सी नहर है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं और मैं आ गई हूँ अब अपने मायके में। और यहीं पर जिया ने भी अक्की को राखी बांधी, क्योंकि इसने सुबह के टाइम नहीं बांधी थी। ये बोल रही थी कि मैं अभी मामा के घर पर जाकर ही बांधूँगी अक्की को राखी, इसलिए जिया ने भी यहीं पर आकर बांधी है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही शरारतें करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं दोनों, और हमेशा शैतानी करते रहते हैं। और आज देखो ये कितने खुश हैं रक्षाबंधन पर। मैं अभी अपने भाई को राखी बांध लेती हूँ, ये सबसे छोटा भाई है और हम दो बहनें हैं, ये हम दोनों से छोटा है। इस बार मेरा जाने का कुछ प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए इस बार हम आने के लिए मना कर रहे थे। फिर बस हम आ ही गए, क्योंकि हर साल ही जाती हूँ मैं राखी बांधने के लिए। और ये पीछे मेरे पापा जी बैठे हुए हैं और बुआ जी भी बैठी हैं, ये पीछे मेरे चाचा जी के लड़के के बच्चे हैं। और ये मेरे चाचा जी का लड़का है, सबसे छोटे वाले चाचा जी का, इसको भी मैं राखी बांध रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों का साथ रहा मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, आप लोग भी अच्छे सेलिब्रेट कीजिए।